पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इस पहले चरण की 30 सीटों पर 191 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जिन सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे उनमें बांकुड़ा की 4, पुरुलिया की 9, झाड़ग्राम की 4, पूर्व मेदिनीपुर की 7 और पश्चिम मेदिनीपुर की 6 सीटें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं असम में भी पहले चरण के लिए 12 जिलों की 47 सीटों पर आज मतदान जारी है। असम में पहले चरण में मध्य असम के 3 जिलों सोनितपुर, विश्वनाथ और नौगांव की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। साथ ही ऊपरी असम के 9 जिलों गोलाघाट, जोरहाट, माजुली, शिवसागर, चराईदेव, लखीमपुर, धेमाजी, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों की 34 सीटों पर भी पहले चरण में मतदान होगा। असम में मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी प्रशासनिक व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। मतदान कराने के लिए मतदान दल के कर्मी अपने अपने बूथों से निकल गए हैं। चुनाव के मद्देनजर राज्य में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पश्चिम मेदिनीपुर के देबरा में शुक्रवार को एक रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार और मुकुल निधि अमैयम पार्टी के प्रमुख कमल हासन ने चेन्नई में पार्टी के प्रचार के लिए चुनावी रैली निकाली। अपनी जीत का दावा ठोक रहे पार्टी प्रमुख कमल हासन अपने 2 सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मक्कल निधि मैयम पार्टी 234 से 154 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उनकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला दिया। अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में 2 हफ्ते के अंदर शिफ्ट करना होगा। देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से टाटा सन्स को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को कंपनी का दोबारा चेयरमैन नियुक्त करने का नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्राइब्यूनल NCLAT का फैसला पलट दिया। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को क्या असर पड़ रहा है? जी हाँ, ऑनलाइन क्लासेस से फायदा है या नुकसान, आइए देखते हैं और सुनते हैं क्या कहा बच्चों ने और उनके माता पिताओं ने। लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जैसे लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठने से आंखों में चुभन होती है, सिर में दर्द रहने लगा है, तनाव बढ़ रहा है, घुटन महसूस होती है, पढ़ाई में कम दिलचस्पी ले रहे हैं, नींद से जुड़ी समस्या हो रही है। क्या सही में ऐसा हो रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने कुछ छात्रों से बात की। नेटवर्क इशू की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत। उससे कभी कभार मैम की ऑडिबल या विजिबल नहीं होती, या फिर मैम की वीडियो पॉज हो जाती है, उससे हम देख नहीं पाते, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। जिस घर में सिर्फ एक ही स्मार्टफोन हो और उस घर में 2 बच्चे हैं, वो एक ही टाइम पे क्लासेस कैसे लेंगे एक ही फोन से? और वो गूगल अकाउंट मांगता है और इसकी वजह से हमारे पैसे भी कभी कभार कटे हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, जो बात स्कूल की पढ़ाई में होती है वो बात घर बैठ के पढ़ने में नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस से हमारा एक फायदा है कि हमारी स्टडी रेगुलर हो पा रही है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि स्टूडेंट को कुछ भी समझ नहीं आता, उनके डाउट क्लियर नहीं हो पाते जो टीचर समझाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमारी पहले तो जूम ऐप पे होती थी, बट अब व्हाट्सएप पे होती है, तो व्हाट्सएप में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती है और ऑनलाइन क्लासेस में वो फील नहीं आ पाता जो एक नॉर्मल क्लासरूम में आता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास को लेकर अभिभावकों की सोच जानना भी जरूरी। जब से क्लासेस शुरू हुई है एटलीस्ट कुछ रूटीन सेट हो गया है, हालांकि ऑनलाइन टीचिंग इज नॉट एज इफेक्टिव एज क्लासरूम टीचिंग, बिकॉज इतना ज्यादा बच्चों का, चाइल्ड और टीचर का इतना ज्यादा बॉन्डिंग या इतना ज्यादा कनेक्ट हो नहीं पाता ऑनलाइन। इसमें फायदा भी है कि कोरोना वायरस की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घर बैठे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाए सारी चीजें,
तो बाकी इसमें बहुत सारे नुकसान भी मैंने फेस किए हैं, जैसे इंटरनेट प्रॉब्लम है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो इधर उधर मोबाइल को लेकर घूमना पड़ता है। सभी अभिभावक ऑनलाइन क्लास से नफा कम और नुकसान ज्यादा बता रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई में मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा हो रहा है, बस बिजी हो रहा है। कि बच्चों की समर वेकेशन प्रीपोन कर दी जाए और लॉकडाउन जब खुल जाए तो तब बच्चों के स्कूल खुल जाए और वहां तब वो क्लासेस ले लें। इस दौरान में ये ऑनलाइन का भी प्रॉब्लम उनके लिए परेशानी कर रहा है और टीचर्स को भी इस तरह से काफी रिलीफ मिलेगा। घर पर बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि वो अपनी सारी एक्टिविटी, अपनी पढ़ाई, इधर उधर घूमना, मम्मी पापा के साथ बाहर आउटिंग करना, ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बीच जब से ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हुई है तब से बच्चों में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। उनकी पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी लाइक ड्राइंग कंपटीशन, कार्ड मेकिंग कंपटीशन, स्टोरी टेलिंग, ये सब बच्चों को कराया जा रहा है। और साथ ही साथ में बच्चों को प्रेयर सिखाई जाती है, बच्चों को एक्सरसाइज, योगा, म्यूज़िक क्लास, ये सब भी कराए जाते हैं। इस टाइम पे बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो वो हमें ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही। द ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग वेरी वेल एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू अवर चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सिचुएशन। द टीचर्स आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट एंड द वे ऑफ टीचिंग इज ईजिली अंडरस्टैंडेबल टू अवर चिल्ड्रन। इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल टू ऑल टीचर्स। थैंक यू। ऑनलाइन क्लासेस तो जारी है लेकिन क्या अभिभावकों को इसका फायदा पहुँच रहा है? क्या उनकी फीस कुछ कम की गई है? क्या केंद्र की सरकार या राज्य सरकार इस मुद्दे पर कुछ कहेगी? अपना टीवी और मुंबई न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सऊदी अरब में आई लाल आंधी, ये सही है या झूठ? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में कुछ दिन पहले जो है ना वो आंधी आई थी तेज़ तूफान की तरह, तो ये कुछ वीडियो हैं, ये मुलाहजा फरमाएं, जो कि सऊदी महकमा मौसमियात की तरफ से हैं, और ये मुकम्मल वीडियो देखें, उसके बाद आप नाज़रीन को इन वीडियो के बारे में जो भी हकीकत है वो मालूम हो जाएगी। और वल्लाहु आलम, ये भी हो सकता है कि वीडियो जो है उसको सॉफ्टवेयर में एडिट किया गया है, लेकिन ये ज़्यादा क्लिप हैं तो इससे ऐसे ही मालूम होता है कि जो तेज़ तूफ़ान था, आंधी थी, वो सुर्ख कलर की थी। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है सच क्या है और झूठ क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल मालिक फरीद। और ये जो लाल आंधी के बारे में बातें हो रही हैं ना कि मक्का में लाल आंधी आई है, ये वो, कोई लाल आंधी नहीं आई। मैं मक्कतुल मुकरमा में ही रहता हूँ और जुमेरात के दिन ख़ास तौर पे जिस दिन के ऊपर ये लोग कह रहे हैं कि लाल आंधी आई है, उस दिन पूरा दिन मैं मक्का में ही था, मक्का से बाहर गया ही नहीं, वरना मैं आदतन बाहर आता जाता रहता हूँ मक्का से। लिहाजा कोई ऐसी आंधी नहीं आई। ये वीडियो एडिट हुई हुई है जिसमें लाल आंधी दिखाई जा रही है, सिंपल इन्होंने नीले रंग को लाल रंग से तब्दील कर दिया। अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ बहुत ज़्यादा अजीब होता है, तो आप लोगों को पता है कि मैं उस बारे में वीडियोस बना देता हूँ। तो ऐसी किसी खबर पे यकीन ना करें, मैं मक्का में ही था और कोई ऐसी लाल आंधी नहीं आई। आप इस वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों से, उन ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें जिन ग्रुप्स में या जिन लोगों ने
आपको वो वीडियोस भेजी जिनमें लाल आंधी आ रही थी। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए। तो अपना टीवी और मुंबई न्यूज की जांच पड़ताल में पता चला है कि सऊदी अरब में दिखाई गई लाल आंधी झूठ है। जी हाँ, ये लाल आंधी बिल्कुल झूठ साबित हुई है। कोरोना को अगर तुम्हें खत्म कराना है तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, पूरे भारत से एकदम विदा हो जाएंगे कोरोना वाले। किस तरह से होंगे तो बता दो। भारत में एक साथ चुनाव कराए जाए। अच्छा। देखिए बंगाल में चुनाव हो रहा है, कोरोना की हिम्मत नहीं है कि हम भूल कर भी कदम रख दे। ये बात सही है। यहाँ पे आंदोलन कर रहा है किसान दिल्ली बॉर्डर पे। दिल्ली में कोरोना बाबू घूम रहा है लेकिन आंदोलन में नहीं जा सकते क्योंकि उनकी भी कुछ सीमा है, ऐसी जगह पर नहीं जाते। किसकी सीमा है? मध्य प्रदेश में अब जैसे संडे के दिन लॉकडाउन लगा है तो इस दिन कोरोना आ सकते हैं क्योंकि सभी पता है कि सरकारी कामकाज बंद रहते हैं, बाकी छह दिन नहीं आ सकते। रात में आ सकते हैं, दिन में परमिशन नहीं दी क्योंकि जहाँ पे बीजेपी की सरकार है और जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे कोरोना के लिए अलग रूल बनाए गए हैं। तो कोरोना भी सरकारों के रूलों को फॉलो करता है। अच्छा। इसे पूरी तरह गायब करना है तो पूरे भारत में एक साथ चुनाव करवा दिए जाए। तुम्हें किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर एक साथ चुनाव करा देंगे तो कोरोना चले जाएगा ना? बिल्कुल, भारत से गोल हो जाएगा। चुनाव में जाता ही नहीं है भूल के। बंगाल में देख लीजिए आप, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ देख लीजिए। बिहार में चुनाव हुए, वहाँ गया कोरोना? नहीं गया ना। तो ये चुनाव होते हैं उन रैलियों से डरता है, हमें मालूम पड़ गया। इसकी जे नब्ज है जो हमने पकड़ ली, आंदोलनों से वोट डरता है कोरोना। अच्छा। हाँ चलिए ठीक है।